तो गैस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा एडमिशन के लिए आपके रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होंगे और आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा। इसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होगी। मैं आपके तीनों क्वेश्चन इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देना। सबसे पहले दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पर आपके सामने हूँ हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन की वेबसाइट पर, जैसे आप देख रहे हैं, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं, डिप्लोमा कोर्स नोटिफिकेशन। यहाँ पर मैंने ये निकाला है, एडमिशन शेड्यूल फॉर डिप्लोमा कोर्स और विल बी नोटिफाइड सून ऑन द वेबसाइट। यानी कि आपको इसकी वेबसाइट पर आपको पता लग जाएगा जब आपके एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, या इसके अलावा जैसे भी स्टार्ट होंगे आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ में दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं Facebook, Twitter, Instagram और Telegram चैनल का, आप उसे भी ज्वाइन करना। इसके अलावा दोस्तों यहां पर आपको मिलेगा प्रोस्पेक्टस, ये यहां पर डिप्लोमा प्रोस्पेक्टस है 2022 का, 2023 की, यानी लास्ट ईयर पिछले साल का, और अब की बार जो आएगा प्रोस्पेक्टस उसका आएगा 2023 का, 2024 का, जिसमें आपके न्यू एडमिशन होंगे। आप 10th बेस पर, 12th बेस पर आप डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हो। 10th बेस पर आपका 3 साल का रहेगा डिप्लोमा, और 12th बेस पर आपका डिप्लोमा 2 साल का रहेगा, अगर आपने 12th में PCM ले रखी है सब्जेक्ट। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, आप देखिए दोस्तों, आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको टोल फ्री नंबर दिया गया है, ये टेक्निकल एजुकेशन वेबसाइट का नंबर है, तो यहाँ पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपके लिए कॉल की थी कि एंट्रेंस एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों आपकी रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है वो भी मैंने यहाँ पर आपके लिए पूछा है। तो आप वीडियो के साइड में कॉल रिकॉर्ड जरूर सुनना, जो कि मैंने यहाँ पर हरियाणा स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपके लिए कॉल की थी। तो यहाँ पर कॉल होती है स्टार्ट। हेलो हेलो, बोलिए। नमस्कार सर। हाँ जी सर। जी सर, डिप्लोमा कोर्स के लिए अब की बार सर एंट्रेंस एग्जाम होगा सर? नहीं सर, मेरिट बेस पे है। अच्छा, 10th में 12th में जितने भी नंबर आएंगे उसके मेरिट बेस पर रैंक बनेगा जी। हाँ जी सर। जी इसमें रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होगी सर? सर वही जो लास्ट ईयर थी, 1000 जनरल कैटेगरी की रिजर्व की थी, वो 700। अच्छा, सेम ही रहेगी सर? हैं, हाँ जी हाँ जी। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके, तो गाइस देखिए, मैंने आपके सामने यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में बड़ी पोलाइटली से बात की है, और आपके लिए पूछा भी है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। आपने सुन भी लिया कि एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा, पिछले 2-3 सालों से एंट्रेंस एग्ज़ाम ख़त्म कर दिए हैं। आपके 10th या फिर 12th बेस पर जितने भी आपके मार्क्स आए हैं उसके बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और आपका रैंक तैयार होगा। देन उसके बाद आपको कॉलेज मिल जाएगा आपके रैंक के हिसाब से, और जो आपको पसंद की ट्रेड है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंजीनियर, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपको कौन सी लेनी चाहिए। अगर आपकी कोई पसंद की है जिसमें आप सोचते हो कि मुझे इस फील्ड से मैकेनिकल से डिप्लोमा करना है, इलेक्ट्रॉनिक से करना है, या फिर आपको सिविल से करना है, तो उससे भी आप कर सकोगे अगर आपका रैंक अच्छा आता है। क्योंकि दोस्तों आपका डिपेंड करता है आपके 10th या फिर 12th के मार्क्स के हिसाब से, जितने अच्छे आपके मार्क्स होंगे उतना अच्छा आपका रैंक आएगा, और रैंक जितना कम होगा उतना आपके लिए बेटर रहेगा। मान लीजिए आपके अंक, आपके नंबर जो हैं आपके मेरिट लिस्ट में है 10th में, और आपको रैंक मिला है 1, तो समझ लीजिए आप कोई सा भी कॉलेज चूज कर सकते हो, आपको उसमें बिल्कुल बड़े आराम से ट्रेडिंग मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों रजिस्ट्रेशन जो फीस होगी 1000 है फॉर जनरल के लिए। इसके अलावा अगर आप अदर कैटेगरी से हैं, गर्ल हैं, बॉय हैं, अदर कैटेगरी जनरल को छोड़कर, तो आपको 700 रुपये आपकी फ़ीस है। तो सारी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, तो इस वीडियो को शेयर करना, मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।